बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन चौधरी। आज हम बनाएंगे अंडे वाली दाल माश। बनाने के लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं: दाल माश, बड़ी इलायची, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, अंडा। मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख लिया है और अब मैं इनमें प्याज डालूँगी और मैं इनको ब्राउन कर लूंगी। और अब ये प्याज ब्राउन हो चुके हैं और इसमें मैं डाल दूंगी बड़ी इलायची और मिक्स कर लूंगी। और इसमें मैं डालूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर। और इनको सॉफ्ट होने के लिए रख लूंगी। और अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च, हल्दी और नमक। और अब मैं इसको भून लूंगी। और अब हम इसमें डालेंगे दाल माश। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। और हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब ये हमारी दाल गल चुकी है। और अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। और धनिया। और अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। फ्राई करने लगी हूँ। और अब हमारा अंडा फ्राई हो चुका है और अब मैं इसको दाल में डाल दूंगी। और अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया है। आप भी इसी तरह से बनाएं जैसे मैंने बनाई है। बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कैसी बनी है।